टेक्स्ट कैसे लेना है, यहाँ से ऐसे, ठीक है। हैप्पी बर्थ डे, F4 अगर मैं दबाऊँ तो ये एक्चुअल स्क्रीन मेरे पास आ जाती है। यहाँ से एरियल बोल्ड कर लेना है, ठीक है, यहाँ से सेंटर कर लेना है। ओके, हो गया, ये आपके सामने आ गया। कंट्रोल क्यू करेंगे और यहाँ से ये शेप टूल लिया मैंने, और यहाँ से F3 से मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ पिक्टो, और यहाँ से ये कंट्रोल जी वापस दोबारा लिखते हैं हैप्पी बर्थडे एरियल बोल्ड और सेंटर एरियल बोल्ड क्यों नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद शेप टूल, यहाँ से ये स्पेसिंग मैंने कम कर दी, ठीक है। और उसके बाद कंट्रोल क्यू, फिर कंट्रोल के, अब ये सारे सेपरेट सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। कंट्रोल जी वापस किया मैंने, यहाँ से स्पेसिंग ख़त्म की, और कंट्रोल के ये सारे सेपरेट सेपरेट हो गए। F4 करके मैंने इसको बड़ा कर लिया, ठीक है, ये बड़ी स्क्रीन F4 से आ गई। यहाँ पर टूल्स में आना है, यहाँ ये टूल है हमारे पास इनवेलप टूल, इनवेलप टूल सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ से इसकी ये है सिंगल आर्क मोड, यहाँ से ये ग्रिड लाइन ले लेनी है इसके, यहाँ पर सेंटर पे ले आएंगे, एक और ले लेंगे नीचे वाले के सेंटर में ले आएंगे ग्रिड लाइन, ठीक है। यहाँ से व्यू में आना है और ग्रिड में आना है, और कहाँ गया रोलर गाइडलाइन, ये स्नैप टू ग्रिड लाइंस, ये आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लेना, स्नैप टू ग्रिड लाइन, ये अनसेलेक्ट हो गया, तो वापस आता हूँ, ये टिक आ गया, ठीक है। इनवेलप, और यहाँ से आर्क, सिंगल आर्क मोड, ठीक है। अब इसको मैं क्लिक करूँगा, यहाँ से पकड़ूँगा, और यहाँ पर ये लाइन पे जब आएगा ग्रिड लाइन पे तो बहुत हाईलाइट हो गया, इसको छोड़ देना, ओके। कंट्रोल दबा के रखना है, और ये ऐसे, ठीक है। कंट्रोल जी करता हूँ, कंट्रोल दबा के करना है, ठीक है, फिर सारा एक जैसा होता है ये, ठीक है। ऐसे ही कंट्रोल दबा के ये चीज़, कंट्रोल दबा के ये ऊपर वाली ग्रिड लाइन तक लेके जाएंगे, कंट्रोल दबा के रखेंगे, ओके। कंट्रोल दबा के रखना है, कोने से पकड़ना है, ऊपर वाले तक ले जाना है, ठीक है। अब ये जो है इसको भी कंट्रोल के कर लेते हैं, पहले यहाँ से आए सेलेक्ट करें कंट्रोल के, ये लैदा लैदा हो गया, ठीक है। अब यहाँ से ये अपना इनवेलप टूल सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल दबाएंगे, और इसको यहाँ से ऐसे, ठीक है, यहाँ से ऐसे कंट्रोल दबा के रखेंगे, यहाँ से ऐसे कंट्रोल दबा के रखना है। कंट्रोल से यह कि चारों साइडें एक जैसी फिर मूव होती हैं, और ये चीज़ इसको कर्व कहते हैं कि टेक्स्ट को कर्व्ड करना, ठीक है। टेक्स्ट को क्या करें हम, कर्व, ठीक है। तो ये आ गया, ओके। F3 से मैं छोटा करता हूँ, सिलेक्शन टूल सारा मैं इकट्ठा सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल जी करूँगा ना ग्रुप हो जाएगा दोबारा, यहाँ से डबल क्लिक करके रखता हूँ, राइट लेफ्ट क्लिक या जो भी क्लिक है, यहाँ से इसका कलर चेंज कर दिया मैंने,
कोई भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हमने क्या सीखा, इनवेलप टूल और ग्रिड लाइन लेना और व्यू से उसको स्नैप टू ग्रिड लाइन और कंट्रोल का यूज़, कंट्रोल से सारी साइड्स एक जैसी होती हैं। ठीक है।